अगर वही हाल पार्लियामेंट के इलेक्शनों में रहा तो फिर तो खुदा ही हाफिज है। लेकिन वो क्या करे, वो उनका काम, हमारा जम्मू कश्मीर के बाहर कुछ है ही नहीं। ना हम कुछ रखने की तमन्ना रखते हैं, हमारा सारा कुछ यहां जम्मू कश्मीर में ही है। हमारा उठना बैठना गिरना खड़ा होना वो यहां पे है और वो आपके हाथों में है। आप वर्कर तय करते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उठेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस गिरेगा, और कोई नहीं तय करता। पहले ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान वाहेगुरु, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर। इसलिए हम बड़े बड़े जलसे नहीं करते, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करते। वो वक्त होगा जब हमें वो करना होगा। आज हमारी कोशिश ये है कि ग्रास रूट लेवल पे अपने वर्गों की बात जो है वो हम सुने। रास्ता दिखाने वाला भी यहाँ का आदमी होगा। तो हम हंसते थे, हम कहते थे फारूक साहब आप भी मेहमान आन का यहाँ हमें तशरीफ लाए हैं, यहाँ नसीम लियाकत चौधरी साहब राजौरी करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे उधमपुर के साथी हैं इनमें सुनील वर्मा साहब हैं, चौधरी शफी साहब। मैं क्या कह सकता हूँ, ये कांग्रेस को खुद देखना होगा ना। कांग्रेस के किसी लीडर ने अगर बयान दिया है तो उसमें मुझे टिप्पणी या कमेंट करने की क्या ज़रूरत ना, उनके अपना उनका अपना राय देखना। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से साथियों से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये पांचवा टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। मैं कह नहीं सकता हूँ ना, जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया, हम क्यों जाएं किसी के साथ, हम क्यों जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। मैंने कहा ना, बार बार तो ये कहता आ रहा हूँ, होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं आप पूछिए।